नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पति ने दिया पत्नी को 3 तलाक। आपको बताते चले कि मामला है बरेली के प्रेमनगर में। एक महिला को उसके पति ने अवैध संबंधों के चलते तलाक दे दिया। महिला ने गैस से जलकर प्रताड़ित करता व चाकू से उसकी नस काटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ससुरालियों पर 5 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज है। सरपका छावनी निवासी सुंदर ने बताया कि निकाह 3 साल पहले गुलाबनगर निवासी फरमान के साथ हुआ था। शादी कुछ दिन बाद पति ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसके बाद फरमान भी सुंदर को आए दिन दहेज को प्रताड़ित व मानसिक प्रताड़ित करने लगा। फरमान की किसी लड़की से अवैध संबंध है जिससे वह काफी देर तक फोन पर बातचीत करता है। फरमान दूसरा निकाह करने की धमकी देता है। पति फरमान ने उसे लिखकर और फोन पर 3 तलाक दे दिया। उसके बाद पिता ने ससुराल वालों को भी समझाया लेकिन वह नहीं माने। सिमरन को रखने से मना कर दिया। पुलिस ने पति पर 3 तलाक देने के बाद ससुराल पर गंभीर धारा पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ये सिमरन है, ये कल मेरे पास आई थी। इसने आके अपनी जो बात बताई है कि इसको लगातार ससुराल में 3 साल हो गए शादी को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी सास, नंदे, पति, ये लोग मिलके कभी इसके हाथ की नस को काटते थे, कभी इसको तेज़ाब से जलाने की धमकी देते थे, क्योंकि इसका पति दहेज की मांग भी ससुराल वाले लगातार कर रहे थे और पति किसी लड़की से फ़ोन पे भी बात करता था, तो इस चीज़ का ये विरोध करती थी। उसी चीज़ को लेके अभी 4-5 दिन पहले ये राजी खुशी अपने महके में आई हुई थी लड़की। महके में आने के बाद इसने कई दिन के बाद पूछा कि भाई मुझे घर जाना है, आप लेने आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मदर आ रही है लेने और तुम तैयार रहना। ये बुरका उरका ओढ़ के रेडी रही लेकिन उसकी मदर नहीं आई। फिलहाल पति 1 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुंचता है लड़की के मायके में और बाहर से ही उसके तायाजाद भाई को एक पर्चा दिया, जो कि तायाजाद भाई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पर्चा देने के बाद बोला कि ये दवा का पर्चा है, ये सिमरन को दे देना। तो उसने पर्चा ले लिया और ले जाके सिमरन को दे दिया। और जब सिमरन को ले जाके दिया तो पता चला कि वो पर्चा जो था वो दवा का नहीं था, बल्कि वो ये पर्चा था जिसमें उसके पति ने लिखित में नाम लेके सिमरन को तलाक दी, 3 बार तलाक, जबकि कानून बन चुका है 3 तलाक पे। उसके बावजूद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं और 3 तलाक इस तरह भी दी पर्चे पे लिखने के बाद। इसके बाद जब सिमरन ने अपने पति को फ़ोन किया कि ऐसा तुमने क्यों किया, रो रो के अपने पति से पूछा, तो उसने फ़ोन पे भी ये तलाक दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और फिर फ़ोन पे भी उसने 3 बार तलाक बोला अपनी बीवी को। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी मामले अगर उनका पति को नहीं कबूल करता? इसमें पहले तो कल तहरीर दे दी गई है थाने में और मुकदमा दर्ज हो चुका है। कबूल करने ना करने वाली बात लिखित में एक सबूत है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है जो लड़के ने तलाक दी है। फिर कल लड़का व्हाट्सअप कॉलिंग करता है ताकि रिकॉर्ड ना हो पाए, और व्हाट्सअप कॉलिंग करने के बाद कहता है कि ये सब तू क्या कर रही है, जब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी हुई। ये सब आज किया है फ़ोन, आज किया फ़ोन कि ये सब तुम क्या कर रही हो और मैं तुम्हें तलाक दे दी और तुम कहाँ पुलिस थाने भाग रही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह की चीज़ें वो लगातार कह रहा है। लेकिन लड़के को जेल ज़रूर होगी क्योंकि कानून 3 तलाक पे बन चुका है, इसमें हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो अभी तक चल रहा था कि 3 तलाक कागज़ पे दे देना, फ़ोन पे दे देना, साइलेंट तलाक दे देना, इसी के लिए हमने एक लंबी लड़ाई को जारी रखा था और उसके बाद ये कानून पास हुआ है। कानून पास होने के बाद अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। क्या आपके पति ने किस समय आपको तलाक दिया, क्या दिक्कत? और लड़की से बात करते थे, ये कह रहे थे कि मैं तुझे तलाक दूंगा, पहले से ही कहते 3 साल पहले से कि मैं तुझे तलाक दूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मैं कभी अपने घर पे आन के कभी किसी से नहीं कहती थी, तो यही कहते मैं तुझे छोड़ दूंगा, कि तू पैसे ला के दे के जेकर काम करते नहीं थे, अब टेम्पू चलाने लगे हैं, अब थोड़े दिन से काम नहीं करते, ऐसी फालतू डोलते थे। तो कह रहा मैं तुझे तलाक दूंगा और उससे बात करते। फिर मैं घर पे आई थी अपने पापा के साथ, अच्छी खासी आई, कोई बात नहीं थी। तो कह रहा मैं तुझे तलाक ही दे दूंगा, फ़ोन पे भी कहा और ये पर्चा भी भेज दिया मैंने तलाक का, मेरे ताए के लड़के के साथ हाथ भेजा था, उन्हें आया था घर तक मगर वो घर में नहीं आया, लड़के को दे गया था भैया को, मेरे ताई के लड़के को, और मुझे मारने की भी कोशिश करता, तेजाब भी डाल दिया था मेरे ऊपर। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया तो उन्होंने तेजाब नहीं डाला, मेरा हाथ भी काटने की कोशिश की। अब आप क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए, वो मुझे
जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।